सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लुनेश कुमार वर्मा। अहम रायपुर जिला अंतर्गते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छछानपरे मध्य व्याख्याता रूपेण पदस्थोस्मि। अद्य वयम् पठामः षष्ठम कक्षायाः संस्कृत विषय। पाठ्यपुस्तकस्य नाम अस्ति सुरभिः। अद्य वयम् पठामः बालकः ध्रुवः अस्मिन् पाठस्य विषये। बालकः ध्रुवः, यह पाठ बालक ध्रुव की कथा पर आधारित है। हम देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में विभिन्न बालकों की चर्चा की जाती है। उनमें प्रहलाद की कथा है, श्रवण कुमार की कथा है और बालक ध्रुव जैसे तपस्वी मुनि और धैर्यवान बालकों की कथा हमने सुनी है। आज हम इस पाठ के माध्यम से बालक ध्रुव की कथा के विषय में विविध जानकारियां प्राप्त करेंगे। इस पाठ में आप देखेंगे राजा उत्तानपाद हैं, ये बालक ध्रुव के पिता हैं, और सुरुचि ये उनकी वी माता हैं, और सुनीति ये बालक ध्रुव की माता हैं। तो प्यारे बच्चों, राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि का पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। इस कथा में जो जो पात्र हैं उनका परिचय भी हमने देखा। आइए हम इस पाठ जो गद्यांश के रूप में गद्य पाठ है उस गद्यांश का वाचन करते हैं। पुरा उत्तानपाद नाम एक राजा आसीत। तस्य द्वे पत्न्यौ स्तः, एका सुनीतिः अपरा च सुरुचिः। राज्ञे सुरुचिः राज्ञौ अतीव प्रिया आसीत्। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। सुनीतिः राजानं नाति प्रियासीत्, तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। पुरा, पुरा का तात्पर्य होता है पहले या प्राचीन काल में। उत्तानपाद नाम एक राजा आसीत्, उत्तानपाद नामक एक राजा थे, पहले उत्तानपाद नामक एक राजा हुए थे। तस्य द्वे पत्न्यौ स्तः, उनकी दो पत्नियां थीं, एका सुनीति अपरा च सुरुचि। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। राज्ञे सुरुचि राज्ञोतीव प्रियासी, इन दोनों रानियों में से रानी सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। अर्थात राजा उत्तानपाद दोनों रानियों में से सुरुचि को बहुत अधिक प्रेम करते थे। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। सुरुचि और राजा उत्तानपाद से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था उत्तम। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्, तो सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुनीति राजानं नाति प्रियासी, सुनीति राजा को बहुत अधिक प्रिय नहीं थी। तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत् और उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। तो ये दोनों पुत्र हो गए, दो रानियां हैं, दोनों रानियों से एक एक पुत्र। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव। क्योंकि राजा जो है रानी सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उससे उत्पन्न पुत्र उत्तम को भी वे अधिक प्रेम करते रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रं उत्तमं अंके निधाय स्नेहं कुर्वनासि। तस्मिन् समये सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंके स्थातुमैच्छत्। तद्दृष्ट्वा विमाता सुरुचिः अब्रवीत् वत्स, त्वं राजसिंहासने आरोहम अयोग्यः असि, यतः त्वं अन्यस्त्री गर्भात् उत्पन्नोऽसि। एक दिन, एकस्मिन् दिने एक दिन राजा सुरुचेः पुत्रं उत्तमं
राजा उत्तानुपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंके निधाय गोद में बिठाकर स्नेहम कुर्वन आसीत प्रेम कर रहे थे, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। राजा उत्तानुपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए प्रेम कर रहे हैं। तस्मिन समय उसी समय सुनीतेह पुत्र ध्रुव, सुनीति का पुत्र ध्रुव पितुः अंके स्थातुम् इच्छत, पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि एक बालक या एक पुत्र यदि पिता की गोद में बैठा है तो दूसरा पुत्र भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा करता है। हम अपने घरों में भी देखते हैं कि एक माता पिता की जो संतानें हैं वे यदि माता पिता के पास है, माता पिता ने किसी एक को गोद में उठाकर रखा है तो दूसरे संतान है वो भी माता पिता के गोद में आने के लिए तत्पर हो उठता है। ऐसा ही ध्रुव के साथ हुआ। ध्रुव ने देखा कि पिता ने उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है और बड़े प्रेम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं और पिता मुझे उसी तरह से प्रेम करें। तो ऐसा जानकर ऐसा मानकर उन्होंने पिता की गोद में बैठने की इच्छा किया। तद दृष्ट्वा उसको देखकर विमाता सुरुचि अब्रवीत, और तभी सुरुचि की दृष्टि उस ध्रुव पर पड़ गई जो पिता की गोद में बैठने की इच्छा कर रहा था। तो तद दृष्ट्वा उसको देखकर विमाता सुरुचि अब्रवीत, विमाता सुरुचि जो है बोली, विमाता कहते हैं सौतेली माता को, वो बोली वत्स तुम राज सिंहासने आरोहम अयोग्य असि, तुम राज सिंहासन में बैठने के अयोग्य हो, तुम राजा की गोद में बैठने के अयोग्य हो, तुम योग्य नहीं हो। क्यों योग्य नहीं हो? क्योंकि राजा मुझसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी माता से उस तरह प्रेम नहीं करते जैसा मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम राज सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। यतः त्वं अन्य स्त्री गर्भात उत्पन्नोऽसि, क्योंकि तुम्हारा जन्म जो हुआ है मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, तुम अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अर्थात सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए राज सिंहासन में बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो, तुम इसके लिए अयोग्य हो। सुरुचि ने ध्रुव को ऐसा कहा। तो विमाता के द्वारा, सौतेली माता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ध्रुव जो है दुखी हुआ, लेकिन माता ने उन्हें और आगे कहा। सौतेली माता ने क्या कहा? यदि तुम राज सिंहासने आरोहम इच्छसे तरही भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण। यदि तुम राज सिंहासन में बैठने की इच्छा करते हो या तुम राज सिंहासन में बैठना चाहते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो तरही, तरही का मतलब होता है तो, यह अव्यय पद है, तो भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु, भगवान नारायण की आराधना करो, उनकी पूजा करो और उनको प्रसन्न करो, और उनकी प्रसन्नता से मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण, अगले जन्म में मेरी कोख में आकर जन्म लो, तब तुम राज सिंहासन में बैठने के योग्य होगे। ऐसा उस सौतेली माता सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा। विमातुः मुखात् एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्च स्वरेण रोदनम् आरभत, किन्तु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तुष्णीं भूत्वा पश्यन्नासीत्, अत्रांतरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुन्देह पार्श्वं गतः अवदत् च विमातुः कटु व्यवहार विषये। विमातुः मुखात् सौतेली माता के मुख से इस प्रकार के एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा, इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर बालक ध्रुव उच्च स्वरेण रोदनम् आरभ, ऊंचे स्वर में रोना आरंभ कर दिया। निश्चित रूप से वह एक छोटा सा बच्चा है और सौतेली माता ने जब उसे इस तरह से झिड़क दिया तब स्वाभाविक रूप से बाल मन जो होता है वो बहुत कोमल होता है, और जब बाल मन को ठेस लगता है या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वे रोने लगते हैं।
ऐसा ही बालक ध्रुव ने भी किया। किंतु राजा उत्तानपाद इदं सर्वं तूष्णीं भूत्वा पश्यन्नासीत्। अब राजा उत्तानपाद के सामने ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, लेकिन राजा उत्तानपाद इन सबको तूष्णीं भूत्वा चुपचाप होकर देखते रहे, अर्थात वो कुछ बोले नहीं। विमाता ने, सौतेली माता ने ध्रुव को राजा उत्तानपाद के सामने इस तरह के वचन कहे, कटु वचन कहे, लेकिन राजा उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप ही रहे। अत्रांतरे इसके बाद बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन्। अब जब एक पिता के आगे पुत्र को डांटा जाए और पिता कुछ न कहे, तब वो बालक क्या करे, वो बच्चा क्या करेगा, वो अपनी माता के पास जाएगा स्वाभाविक रूप से। तो बालक ध्रुव भी रोते हुए अपनी माता के पास गया। ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीते पार्श्वं गतः। ध्रुव जो है रोते हुए माता सुनीति के पास गया, अवदच्च और बोला, क्या बोला, विमातुः कटु व्यवहार विषये, सौतेली माता के द्वारा कहे गए कटु वचनों के विषय में ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से कहा, रोते हुए कहा, पुत्रात सुरुचेह कटु वचनम आकर्ण्य सुनीति संयमेन ध्रुवम अब्रवीत वत्स धैर्यम शांतिम च धारय। पुत्र से सुरुचि के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर सुनीति ने संयम से ध्रुव से कहा, संयम पूर्वक ध्रुव से कहा, वत्स हे पुत्र धैर्यम शांतिम च धारय, धैर्य और शांति रखो, क्योंकि मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका यदि हम धैर्य से सामना करें तब निश्चित रूप से हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अभी समय है धैर्य रखने का। यद्यपि त्वं विमातु आचरणेन प्रताड़ितो असि, हम जानामि इति सुनीति वदति, तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलं कामनां मा कुरु, यः पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति सः तस्य फलं अवश्यमेव प्राप्नोति, अतः भो वत्स त्वं विमातु कटु सत्यं पालयन् भगवतः नारायणस्य चरण कमल योग आराधनां कुरु तपसा तव पूर्वजाः पराम शांतिम अलभन्त। यद्यपि तुम विमाता के आचरण से, विमाता के द्वारा इस प्रकार के कटु आचरण से प्रताड़ित हुए हो, तथापि फिर भी तुम परार्थे दूसरों के लिए कदापि अमंगलम कामना मा कुरु, दूसरों के लिए अमंगल की कामना मत करो, अर्थात उनका मंगल ही सोचो, उनका अमंगल मत सोचो, उनका अहित मत सोचो, ऐसा माता सुनीति बालक ध्रुव को समझाते हुए कहने लगी और कहती है, यह पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति, जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है सः तस्य फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति, वह उसका फल अवश्य ही प्राप्त करता है, अतः भोवत्स इसलिए हे पुत्र त्वं विमातुः कटु सत्यं पालयन्, सौतेली माता ने जो कटु सत्य कहा है उसका पालन करते हुए भगवतः नारायणस्य भगवान नारायण के चरण कमल योग चरण कमल की आराधना करो, आराधना करो, इसलिए हे वत्स तुम विमाता के द्वारा अर्थात सौतेली माता के द्वारा कहे गए कटु सत्य का पालन करते हुए भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो, ऐसा माता सुनीति ने बालक ध्रुव से कहा। तपसा तपस्या से, तव पूर्वजाः पराम शांतिम अलभन, तुम्हारे पूर्वजों ने भी परम शांति को प्राप्त किया था, इसलिए तुम भी उसी मार्ग पर चलो और उस नारायण की तपस्या प्रारंभ करो, ऐसा माता सुनीति ने ध्रुव से कहा। मातुरादेशेन ध्रुवः इस ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रासादं त्यक्त्वा च वनं अगच्छत्। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्, तस्य मन्त्रः आसीत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूतः इप्सितं वरं च प्रादात्। मातुरादेशेन
माता के आदेश से ध्रुव ध्रुव ने इस ध्यानम प्रति ईश्वर के ध्यान के प्रति प्रेरणान्वित्वा प्रेरणा प्राप्त कर स वह राजप्रसादम उस राजप्रसाद को उस प्रासाद कहते हैं महल को। प्रसाद और प्रासाद में अंतर है। प्रसाद कहते हैं जब पूजा अर्चना होता है तो उस समय जो बांटा जाता है उसको हम सब ग्रहण करते हैं, आप सभी ग्रहण करते हैं ना, हाँ वो कहलाता है प्रसाद। और प्रासाद का मतलब होता है महल। राज प्रासाद कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य हुआ राजमहल। तो माता के आदेश से ध्रुव ईश्वर के प्रति ध्यान की प्रेरणा ग्रहण करके उस राज प्रासाद को राजमहल को त्यक्त्वा त्याग कर वनम त्यक्त्वा च वनम अगच्छत वन चला गया। तो माता के आदेश से ध्रुव ने ईश्वर के ध्यान की प्रेरणा प्राप्त की और राजप्रसाद को राजमहल को छोड़कर वन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। वने ध्रुव घोर तपः अकरोत्। वन में ध्रुव ने घोर तप किया। तस्य मंत्र आसीत। जब तपस्या कर रहे हैं तब तपस्या करते समय कोई मंत्र होना चाहिए, कोई साधना होना चाहिए जिसके माध्यम से हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं उनको हम प्रसन्न कर सके। तो ऐसे ही ध्रुव का जो मंत्र था तपस्या का वह था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात भगवान वासुदेव के लिए मेरा नमस्कार है, भगवान वासुदेव को मेरा प्रणाम है। तो इस तरह से यह उसका मंत्र था। ध्रुव से तपसा प्रसन्नो भूत्वा, ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रगटीभूतः उसके समक्ष प्रकट हुए। देखिए छोटा बालक है, निश्चल प्रेम जानता है, निश्चल भक्ति वह जानता है और वही निश्चल भक्ति उन्होंने ईश्वर के प्रति दिखाया। इसलिए निश्चित रूप से ईश्वर की जो कोई भी यदि सच्चे मन से भक्ति करता है, आराधना करता है, पूजा करता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ईश्वर जो है ध्रुव के निश्चल प्रेम को देखकर, निश्चल भक्ति को देखकर उसके समक्ष उसके सामने प्रकट हुए। इप्सितम वरम च प्रादा, और इप्सितम इच्छित वर उनको दिया, अर्थात ईश्वर जो है विष्णु जो है उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तो बालक ध्रुव ने जो वर मांगा वो वर भगवान विष्णु ने ध्रुव को दिया। ध्रुव स्वर्ग लोके अचलम पदम प्राप्तवान, और इस तरह से वह बालक ध्रुव स्वर्ग लोक में अचल पद को प्राप्त किया। अचल कहते हैं जो चलायमान ना हो, जो गतिमान ना हो, जो स्थिर हो, जो सदैव हो। इसीलिए आपने देखा जैसे कभी किसी का विवाह होता है तो विवाह आदि के अवसर पर ध्रुव तारा जो कहते हैं आसमान में हम देखते हैं, आसमान में आपको दिख रहा है, हाँ इस चित्रों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यह जो चमकीला जो तारा दिखाई दे रहा है मंडलाकार, यही वह ध्रुव तारा है और इसकी गति पृथ्वी की गति के समान है, इसलिए यह पृथ्वी से सदैव एक ही दिशा में अर्थात उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो विवाह आदि के अवसर पर आप सबने देखा होगा, महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि ध्रुव को गवाह के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। आइए अब अभी हमने जो पाठ पढ़ा बालक ध्रुव, इसमें कुछ कठिन पद आए हैं, इनके विच्छेद करके देखते हैं। जैसे प्रियासीत, प्रियाधन आसीत इति प्रियासीत, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और इसका तात्पर्य होता है प्रिय थी, नाति न धन अति इति नाति, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। न का मतलब होता है नहीं और अति का मतलब होता है अत्यधिक, तो इस तरह से नाति का अर्थ हुआ अत्यधिक नहीं। स्थातुम ऐच्छत, स्थातुम धन ऐच्छत, इसका अर्थ होगा बैठने की इच्छा। वचन माकर्ण्य, वचनम धन आकर्ण्य, इसका तात्पर्य होता है बातों को सुनकर। मातुरादेशेन, मातु धन आदेशेन इति मातुरादेशेन, यहाँ पर विसर्ग संधि है और इसका तात्पर्य होता है माता के आदेश से। तो आइए यहाँ
आपको इस समय कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनके हम समास विग्रह करते हैं। अचलम नाचलम इति अचलम, ये न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका तात्पर्य होता है स्थिर। अमंगलम न मंगलम इति अमंगलम, इसका तात्पर्य होता है अशुभ। जैसे हम कहते हैं ना असत्य न सत्य इति असत्य, न सत्यम असत्यम, अधर्म न धर्म इति अधर्म। तो इस तरह से अ का योग जहां पर होता है वहां अ के योग से जिसको विलोम बनाया जाता है ऐसे पदों में न तत्पुरुष समास होता है। विमाता, इसका समास विग्रह होगा विरुद्धा माता, अर्थ होता है इसका सौतेली माता। इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न देखें, ध्रुवस्य मातुः किम नाम, उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीतिः आसीत्। अगला प्रश्न है, ध्रुव कस्य लोके अचलम पदम प्राप्तवान, उत्तर क्या होगा? ध्रुव स्वर्ग लोके अचलम पदम प्राप्तवान। अगला प्रश्न है, ध्रुव कुत्र तपम अकरोत, उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ध्रुव वने तपम अकरोत। अगला प्रश्न सामने है, सूरुचाह पुत्रस्य किम नाम आसी, उत्तर क्या होगा? सूरुचाह पुत्रस्य नाम उत्तम आसी। गृह कार्य, प्यारे बच्चों अभी हमने जो पाठ पढ़ा है इसके आधार पर गृह कार्य के प्रश्न मैं आपको देना चाहूंगा। इन प्रश्नों को आप नोट करेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण करेंगे। चलिए प्रश्न लिखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सुनीतेह पुत्रह खाली स्थान आसी। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवः तपस्यां कर्तुम खाली स्थान अगच्छत। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, वने खाली स्थान तपः अकरोत। चौथा प्रश्न लिखेंगे, रुदन ध्रुवः मातुः सुनीतेह खाली स्थान गतः। प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। और साथ ही साथ आपने इस पाठ में ध्रुव की जो भक्ति है वो देखा और जो विमाता है इसका आचरण कैसा है इसके विषय में देखा। तो हमें इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को ग्रहण करना है कि जो अमंगल करता है उसका भी हमें मंगल करना है, उसके मंगल की कामना करना है, उसका अमंगल नहीं करना है। क्योंकि जो अमंगल करता है उसका तो अमंगल होगा ही, इसलिए हमें किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इन भावनाओं के साथ कार्यक्रम से अंते सर्वेभ्यो नमो नमः।